हेलो आई फ्रेंड, आज देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार 2020 की ट्रेंड देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 से हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 से हुई। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में बांट दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में बांटे जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बांटे जाते हैं। 10 दिसंबर को जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को किसकी स्मृति में बांट दिया जाता है, वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बांटा जाता है। तो आपसे कहा जाएगा कि मानव अधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में बांटा जाता है, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बांटा जाता है। तो बेटा हम कहेंगे आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो सन 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। सन 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो आज देखते हैं सर नोबेल पुरस्कार 2020, नोबेल पुरस्कार 2020 में किन किन को मिला। तो देखेंगे पहला है भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो आपको याद करना है कैसे, रोज 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 जाना है, रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में, रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में। किससे मिलने जाओगे, एनडीआर से मिलने। रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में किससे मिलने, एनडीआर से मिलने। रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में एनडीआर से मिलने। तो आपको याद करना है रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में किससे मिलने, एनडीआर से मिलने। तीनों नाम आ चुके हैं, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में रोज से आ जाएगा रोजर और पेनरोज जर्मनी, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में तीन लोग हैं, रोजर पेनरोज जर्मनी, रैमहार्ड गेंजिल अमेरिका, एंड्रियास गेस अमेरिका। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है सर तरीके से, आपको ऑप्शन में दिखाई देगा क्योंकि आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑप्शन वाइज हो रही है, ए बी सी डी। तो आपको चारों ऑप्शन में ऐसा शब्द दिखाई देगा कि रोज रोज जाना है जर्मनी की जेल में और किससे मिले, एनडीआर से मिले। तो आपको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हो चुका है। दूसरा नंबर का है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो आपको याद करना है चिकित्सा के क्षेत्र में ह्यूटन, टर और क्या है राइस। टन कैसे है, टर में है और राइस लेने जाने हैं। टन कैसे है, टर में है और राइस लेने जाना है। टन कैसे है, टर में है और राइस लेने जाना है। तो टन टर राइस, टन टर राइस। तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा टन होगा या तो टर होगा या फिर राइस होगा। तो ये कहेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है टन टर और राइस। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको केवल इतना ही याद रखना है टन टर और राइस। आपको ऑप्शन में भी दिखाई देगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आ जाएगा तीसरा नंबर का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, शांति क्या है, पूरे देश में पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में शांति फैलाना है। शांति के क्षेत्र में जब भी आए बात तो आपको पूरे वर्ल्ड में क्या फैलाना है, शांति। पूरे वर्ल्ड में क्या फैलाना है, शांति। तो आपको ऑप्शन में वर्ल्ड दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि शांति के क्षेत्र में इसको मिला है वर्ल्ड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो अमेरिका की एजेंसी है। किस नाम की है, अमेरिका, यूएसए, यानी कि अमेरिका की एजेंसी। आपको एक बात बता दें, यूएसए की कंपनी है उसने 10 करोड़ लोगों की मदद की है। चौथा है अपना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र कैसे करेंगे, अर्थशास्त्र पोले थे, अर्थशास्त्र कैसे थे, पोले, अर्थशास्त्र पोले थे और कैसे, ग्राम में, अर्थशास्त्र पोले थे ग्राम में और बी विल्सन के साथ। कहां पे थे, बी विल्सन में। अर्थशास्त्र पोले थे ग्राम में और कहां पर थे, बी विल्सन में, बी विल्सन में। अर्थशास्त्र पोले थे ग्राम में, कहां पे, बी विल्सन, बी विल्सन। आगे पांचवा, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो ये है पहले इमैनुअल चार्पियर, ये कहां के हैं, फ्रांस के हैं, इमैनुअल चार्पियर फ्रांस के हैं। दूसरे जेनिफर ए डोडना यूएसए के। तो आपको याद रखना है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, चार्पियर ए डोडना, चार्पियर ए डोडना। आपको केवल इतना याद करना है चार्पियर ए डोडना, चार्पियर ए डोडना। तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा या तो चार्पियर दिखाई देगा या ये डोडना। तो आपको पता चल जाएगा कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है चार्पियर ए डोडना। अब पूछे जाएगा छठवां नंबर का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, लुइस ब्लूम। ये आपको पूरा याद करना है, साहित्य के क्षेत्र में लुइस ब्लूम, लुइस ब्लूम।
शायद किसी पे मिला है, लुईस ग्लूक, ये कौन है? अमेरिका की कवयित्री। अमेरिका की कौन है ये? कवयित्री। पूछ सकते हैं लुईस ग्लूक, जो लुईस ग्लूक को जो शायद के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कहां की? अमेरिका की कवयित्री है, अमेरिका की कवयित्री है। हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में हुई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में हुई। तो नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में बांटे जाते हैं? तो आपको बता दें जो अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बांटे जाते हैं, जो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा जो मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में बांटे जाते थे। नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में बांटे जाते थे? 5 क्षेत्रों में। लेकिन सन 1968 क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में बांटे जाते थे? 5 क्षेत्रों में। लेकिन सन 1968 से एक शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। सन 1968 से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं? तो वर्तमान में आपको कहना है 6 क्षेत्रों में। पहले बांटे जाते थे 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में बांटे जाते हैं, क्योंकि 1968 से शांति का नोबेल पुरस्कार शुरू हो गया। तो पूरे 6 क्षेत्र आपको याद करना है कैसे? सब तरीका देखेंगे। PCMSSE पी से हो जाएगा फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, सी से हो जाएगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन, मै से हो गया मैथ, एस से हो गया शांति के क्षेत्र में, एस से हो गया शांति के क्षेत्र में, एस से हो गया साहित्य के क्षेत्र में, और ई से हो जाएगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। पी से हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए, आपको बता दें कि भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सन 1930 में, भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सन 1930 में सर सीवी रमन को मिला था। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सन 1930 में। आपसे पूछा जाएगा सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सन 1930 में और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार सन 1983 में, तो आपको याद रखना है भौतिक के क्षेत्र में दो लोग हैं, सर सीवी रमन को 1930 में मिला था और एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। सर सीवी रमन, सी का फॉर्म यदि हम करेंगे तो सी से हो जाएगा चंद्रशेखर, बी से हो जाएगा वैकंठ रमन। चंद्रशेखर वैकंठ रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सन 1930 में। और दूसरा है एस चंद्रशेखर, एस का यदि फॉर्म करेंगे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार सन 1983 में मिला था। दूसरा है अपना रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रसायन, रसायन के क्षेत्र में आर वैकंठ रमन को कब मिला था? 2009 में। रसायन के क्षेत्र में आर वैकंठ रमन को सर 2009 में मिला था। और तीसरा है अपना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। सन 1968 में हरगोविंद खुराना को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना को सन 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आप कहेंगे सन 1968 में। किसके क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। चौथा है अपना साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 1913 में दो लोग थे, रविंद्रनाथ और नायपाल। तो ना से ना मिलाना है, दोनों याद हो जाएंगे। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर और नायपाल को यानी कि बी एस नायपाल। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। किसके क्षेत्र में मिला था? गीतांजलि के लिए दिया गया था उनको, और साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आप कहेंगे 1913 में। और बी एस नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला? साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर और बी एस नायपाल को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था।
आ जाइएगा पांचवे नंबर पर शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में चार लोग थे, शांति के क्षेत्र में चार लोग थे। सन 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार सन 1979 में। दूसरा है तेंजिंग ग्यात्सो, तेंजिंग ग्यात्सो का पूरा नाम क्या है, दलाई लामा, इनको दलाई लामा भी कहते थे। तो दलाई लामा को नोबेल शांति के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार 1989 में मिला। तीसरा है आर के पचौरी यानी कि सात, 2007 में मिला। आर के पचौरी, पचौरी यानी कि सात, पचौरी सात यानी कि आर के पचौरी के नोबेल पुरस्कार शांति में कब मिला, 2007 में। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में। चार लोग थे, मदर टेरेसा, तेंजिंग नॉर्वे, आर के पचौरी और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति में मिला था। छठवां देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, अर्थशास्त्र, आज से आप मिलाएंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमृत सेन, और किसके लिए मिला था इन्हें, कल्याणकारी के लिए, कल्याणकारी के लिए। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला, अमृत सेन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमृत सेन।